की इस वीडियो में देखेंगे आप DJI Mini 2 ड्रोन की अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके बारे में, इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, सारे डिटेल्स जो है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा ड्रोन है, क्या है इसका फीचर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये DJI Mini 2 है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा 249 ग्राम्स, ठीक है, यहाँ पर 249 ग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है, अल्ट्रा लाइट लिखा हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी छोटा भी है और लो वेटेड है, मीन्स 249 ग्राम्स का है। इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट का दरकार नहीं है, क्योंकि 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन के लिए कोई सर्टिफिकेट का दरकार नहीं है, सिर्फ बिल कैरी करना है, ठीक है। कहीं अगर आप कहीं ड्रोन को उड़ाते हैं या फिर पुलिस वगैरह पकड़ लेता तो बिल दिखा के आप जो है वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मना किया गया है कि आप वहाँ पर ड्रोन ना उड़ाएँ, वहाँ पर सख्त मना है, वहाँ पर कभी ड्रोन ना उड़ाएँ, ठीक है ना, वहाँ पर एक केस भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप ड्रोन को ना उड़ाएँ, जहाँ पे मीन्स आप जैसे जंगल वगैरह या फिर कहीं पे उड़ा सकते हैं, खुले में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में लगभग मना ही होता है, ठीक है, वहाँ पे ना उड़ाएं। और जहाँ पे मना नहीं है वहाँ पे उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 250 ग्राम से ज़्यादा है आपका ड्रोन का वेट, तो उसके लिए आपको DGCA के वेबसाइट पर जाके आप जो है सीरियल नंबर और प्रोडक्ट के डिटेल्स वहाँ फिल करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 250 ग्राम से अबव के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इसके लिए तो सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 249 ग्राम्स का है और ये DJI Mini 2 है। और ये फ्लाई मोर कॉम्बो है जो मैंने 73,000 में अमेज़न के द्वारा मंगवाया है, और ये मुझे जो है 2 दिन पहले ही डिलीवर किया गया है। और इसके साथ मुझे जो है 2 बैटरी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो है इस देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि 2 बैटरी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए 2 बैटरी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और लगभग यूट्यूबर लोग जो है यही ड्रोन खरीदते हैं, ठीक है ना, जो ब्लॉगिंग करते हैं। और ये छोटा भी है, कैरी करने में दिक्कत नहीं है, बट ये ड्रोन बेस्ट है या नहीं मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा, इसका वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी सारा टेस्ट करके बताऊंगा कि ये जो है ड्रोन बेस्ट है या नहीं, स्पेशली यूट्यूबर के लिए। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पैकेट जो है ये सील पैक आता है, मीन्स प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। बट मैंने इसको जो है ओपन कर दिया था जब मुझे डिलीवर किया गया था, उस टाइम मैंने ओपन करके देख लिया था, ठीक है ना, कुछ अलग प्रोडक्ट तो नहीं है, इस कारण से मैंने जो है ऐसे ओपन कर दिया था। देखिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक बैग है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैग दिया हुआ, देखिए यहाँ पे, देखिए ये बैग है इसके अंदर है। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब यहाँ पे चेन भी दिया हुआ, देखिए यहाँ पे DJI लिखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब इसको ओपन करते हैं बैग को, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे जो है ड्रोन मिला है, देखिए यहाँ पे देखिए ड्रोन है, ये DJI Mini 2 है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके साथ ये है इसका कंट्रोलर, इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, एक करके करता हूँ। तो देखिए इसका ये है कंट्रोलर, इसमें जॉयस्टिक दिया हुआ है, अभी कैसे निकालना है कैसे लगाना मैं बताऊँगा, ठीक है। इसको भी अभी यहाँ साइड में रखते हैं और देखते हैं डब्बा में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इस बॉक्स में एक और पैकेट है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है ये इसी के अंदर जो है बैटरी लगा हुआ है, देखिए इसको निकालता हूँ। तो देखिए 2 बैटरी इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, देखिए एक बैटरी और ये एक बैटरी, 2 बैटरी और एक बैटरी जो है इसके अंदर लगा हुआ है ड्रोन के अंदर, मैं दिखाऊंगा अभी। इसको भी साइड में रखते हैं। और देखिए यहाँ पे एक केबल दिया हुआ है, ये सी टाइप केबल है, इसके अंदर लंबा वायर तो नहीं है बट ठीक ठाक है, नॉर्मल वायर दिया हुआ है, ये फास्ट चार्जिंग के लिए छोटा वायर दिया जाता है। उसके अंदर जो है ये अडैप्टर है, देखिए यहाँ पे DJI भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये अडैप्टर है, बट इसके लिए आपको अलग से एक ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा तो लगता नहीं, आपको भी पता है। अब इसके अंदर तो कुछ है नहीं, खाली डब्बा ही है, इसको भी साइड में रखते हैं। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है यूज़र मैनुअल वगैरह होगा, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। तो इसमें जो है यूज़र मैनुअल वगैरह ही है, देखिए इसको साइड में रखते हैं। इसमें भी वही सब दिया हुआ है, देखिए ये सब कोई पढ़ता नहीं है बट फिर भी ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं इस पैकेट में क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर एक चेन है, तो देखिए यहाँ पे जो है मुझे, तो देखिए इसके अंदर जो है 12 प्रोपेलर दिया हुआ है, ठीक है ना, टूट फूट जाएगा तो मतलब एक साथ, तो ये 4 तो लग ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 8 8 को प्रोपेलर तो एक बार में लग जाता है, तो इसमें जो है 12 एक्स्ट्रा दिया हुआ है प्रोपेलर्स, और 2 जॉयस्टिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक
कुछ है बट देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये कहाँ यूज़ होगा। ये स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर दिया हुआ है, मीन्स इसके थ्रू से अगर ड्रोन में कुछ टेक्निकल इशू वगैरह आता है तो आप इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं। और दो जॉयस्टिक दिया हुआ है, ठीक है, ये पैक है, मैं इसे ओपन नहीं करूँगा। ये प्रोपेलर्स दिया हुआ है और इसके साथ जो है स्क्रू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स 12 प्रोपेलर्स दिया हुआ है और एक जॉयस्टिक, मतलब जो दो जॉयस्टिक दिया हुआ है और एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको मैं साइड में रख देता हूँ। तो देखिए ये है बैटरी, ये और इसका चार्जर, इसको साइड में रखते हैं। और ये देखिए इसका कंट्रोलर है, इसको ऐसे खींच के ऐसे करेंगे और इसमें मोबाइल को लगाएंगे, अभी दिखाते हैं कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे किया हुआ है इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे जो है मोबाइल को ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये ऐसे लग गया। और इसके अंदर सी टाइप, ओ सॉरी, एक और केबल इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर एक और केबल है, इसमें देखिए बहुत सारा केबल दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपके पास आईफोन वगैरह है, आईफोन से आप सी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल जो माइक्रो है, माइक्रो से सी टाइप में ले सकते हैं। और एक मैंने जो है सी टाइप टू सी टाइप लगा के रखा है। तो तीन केबल जो है इसके साथ आ रहा है इस ड्रोन के साथ, इसको मैं अभी रख देता हूँ अंदर ही, इसका यूज़ अभी नहीं है। मीन्स इसका बैग भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी है, ठीक है। अब इसको मैंने लगा दिया है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक दिया हुआ है, ठीक है, इस जॉयस्टिक को यहाँ से निकालेंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लगा देंगे, तो ये लग गया यहाँ पर। फिर यहाँ से निकालेंगे और इसको यहाँ से ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है इसका कोड है सी टाइप वाला है, तो सी टाइप में लगा देंगे। और एक DJI का एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फ्लाई करने के लिए। तो मैं भी इसको अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ये लगा हुआ है, इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब लगा हुआ है, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए इसको पहले ऐसे करते हैं और यहाँ से देखिए इसको ऐसे करेंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ये एक नंबर है, इसको निकालेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये ड्रोन जो है यहाँ पे देखिए हो गया रेडी। अब इसके अंदर बैटरी देखना है लगा हुआ है या नहीं, तो इसके अंदर देखिए बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी को यहाँ पे इन कर देंगे। अब इसके अंदर मैं मेमोरी कार्ड एक डाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी कार्ड देखिए, यहाँ से मैं मेमोरी कार्ड को डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको ऐसे मेमोरी कार्ड को जो ऐसे डालना है, देखिए यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। अब इसको ऑन करेंगे, ठीक है ना। ऑन करने के लिए इस स्टिकर को भी निकाल लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो है बटन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको एक बार क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करके कुछ देर रखेंगे तो ये फ़ैन जो है आवाज़ करेगा और कुछ टाइम के लिए ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। देखिए ये मूव करने लगा और यहाँ पर लाइट जो है जलने लगा, देखिए। और यहाँ पर देखिए इसका जो है कैमरा के लिए कवर दिया हुआ है, तो मैंने कैमरा का कवर निकाल दिया है, यहाँ से देख रहे होंगे आप। मैं इन सबको साइड में रखता हूँ। बैटरी, अगर बैटरी डिस्चार्ज रहे तो आप चार्ज कर लें, ठीक है ना। तो मेरा थोड़ा सा चार्ज था, मैं अभी फ्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से पावर बटन को प्रेस करना है एक बार और दोबारा प्रेस करके कुछ देर रखना, तो ये ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक DJI फ्लाई ऐप को इंस्टॉल करके। प्ले स्टोर में नहीं मिलता तो आप गूगल क्रोम में सर्च करके DJI फ्लाई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जो है फ्लाई ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ इसका फ्लाई ऐप कैसा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा, देखिए। और यहाँ पे गो फ्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गिम्बल दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे इसका जो है दिख रहा है कैमरा जिस साइड है। मैं मूव करूँगा, देखिए, तो यहाँ पर मूव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो ये बटन को जो है देखिए, ये बटन जो है इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे करेंगे तो ये फ़ैन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्टार्ट हो गया। अगर आप ऊपर फ्लाई करना चाहते तो देखिए ये उड़ गया। फ्लाई हो रहा है, अब यहाँ से इसको जो है कंट्रोल करेंगे इसको, देखिए देखिए हाथ लगाएंगे तो उड़ जाएगा, देखिए उड़ गया।
हाथ लगाने से सेंसर लगा हुआ है, इस कारण से उड़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको आउटसाइड में उड़ा के कि कैसे उड़ाया जाता है, कितना मीटर हाइट जाता है, सारे डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।